हेलो चिल्ड्रेन, आई एम अभिषेक एंड यू आर वाचिंग बायोस्कैनर। जैसा कि आप जानते हैं कि हम बैक्टीरिया के बारे में पढ़ रहे हैं और प्रीवियस वीडियो लेक्चर में हमने साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियोइड और राइबोसोम्स के बारे में पढ़ लिया था। आज के वीडियो लेक्चर में हम पढ़ेंगे प्लाज्मिड्स और इंक्लूजन बॉडीज के बारे में। तो बिना कोई टाइम वेस्ट किए चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो लेक्चर, आइए पढ़ते हैं। चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो लेक्चर और पढ़ते हैं प्लाज्मिड के बारे में। प्लाज्मिड जो होता है ये एक डीएनए का सर्कुलर मॉलिक्यूल होता है जो बैक्टीरिया की सेल में प्रेजेंट होता है, लेकिन ये एक्स्ट्रा क्रोमोजोमल रिंग होता है। इसको एक्स्ट्रा क्रोमोजोमल रिंग इसलिए बोला जाता है कि जो बैक्टीरिया का जेनेटिक मटेरियल होता है जिसको हम न्यूक्लियोइड भी कहते हैं, ये उससे अलग होता है, उससे एक्स्ट्रा होता है। यहाँ पर आप इस पिक्चर में देख पा रहे होंगे, यहाँ पर ये बैक्टीरिया का जेनेटिक मटेरियल है, ये इसका एक डीएनए मॉलिक्यूल है या फिर ये न्यूक्लियोइड है एक बैक्टीरिया का। और इस बैक्टीरिया के सेल के अंदर एक और यहां पर रिंग आप देख पा रहे होंगे, एक एडिशनल रिंग और प्रेजेंट है, ये डीएनए का ही रिंग होता है। इस एडिशनल रिंग को हम प्लाज्मिड कहते हैं। प्लाज्मिड की जो डिस्कवरी की थी वो सबसे पहले डिस्कवरी की थी लीडरबर्ग ने, और इन्होंने इकोलाई एक बैक्टीरिया होता है जिसके अंदर इस एडिशनल सेगमेंट ऑफ डीएनए को देखा था, इसका नाम उन्होंने रख दिया प्लाज्मिड। प्लाज्मिड जो होता है इसका जो रेप्लिकेशन होता है वो क्रोमोजोमल जो डीएनए होता है उसके ऊपर पूरी तरह से डिपेंडेंट नहीं होता है, यानी कि ये अपना सारा रेप्लिकेशन का काम, अपने लिए सारी चीज़ों को बनाना अपने आप सिंथेसाइज करता है और न्यूक्लियोइड से पूरी तरह से इंडिपेंडेंट होता है, यानी न्यूक्लियोइड पर यह किसी भी तरह से निर्भर नहीं करता है। न्यूक्लियोइड अपना काम करता रहता है और ये काम अपना अपने आप करता रहता है। अब कुछ कंडीशंस में, कुछ सर्कमस्टेंसेज ऐसे होते हैं जब प्लाज्मिड यहाँ से जा करके जो न्यूक्लियोइड होता है उसके साथ एसोसिएट हो जाता है। इस तरह से जो स्ट्रक्चर बनती है हम उसको एपिसोम बोलते हैं। एपिसोम का जो फंक्शंस है वो आप आगे के वीडियो लेक्चर्स में पढ़ेंगे। जब आप कॉन्जुगेशन थोड़ा सा डिटेल्स में पढ़ेंगे वहाँ पर आपको एपिसोम के बारे में पढ़ाया जाएगा। अब हम देखते हैं प्लाज्मिड के कितने टाइप्स होते हैं। प्लाज्मिड को स्टडी करने के लिए हम इजीली आसानी से समझ सकें इसलिए हम इसको तीन टाइप्स में डिवाइड करके पढ़ते हैं। सबसे पहले हम पढ़ते हैं एफ प्लाज्मिड को, दूसरा जो प्लाज्मिड होता है वो होता है आर प्लाज्मिड, और थर्ड जो प्लाज्मिड होता है वो होता है कोल प्लाज्मिड। तो अब हम सबसे पहले पढ़ने की कोशिश करते हैं एफ प्लाज्मिड को। एफ प्लाज्मिड या प्लाज्मिड के बारे में आप पढ़ चुके हैं पाइलस वाले पार्ट में, जिस वीडियो लेक्चर में हमने पिलाई के बारे में पढ़ा था या सेक्स पाइलस के बारे में पढ़ा था, वहां पर हमने कॉन्जुगेशन भी समझा था और वहां पर हमने प्लाज्मिड्स के बारे में भी समझा था। अब इनका जो रोल होता है, इनका मेन रोल होता है कॉन्जुगेशन की प्रोसेस के अंदर, इसीलिए क्योंकि ये फर्टिलिटी प्रोवाइड कराते हैं इसलिए यहाँ पर इनको एफ प्लाज्मिड भी कहा जाता है। अब कॉन्जुगेशन थोड़ा सा हम समझने की कोशिश करते हैं। दो बैक्टीरिया की सेल होती हैं, एक बैक्टीरिया की सेल ये है और एक बैक्टीरिया की सेल ये है। अब इसके अंदर एक एक क्रोमोजोमल डीएनए है, ये दोनों के पास है, और इसके पास एक एडिशनल सेगमेंट है जिसको हम प्लाज्मिड कहते हैं। जिस सेल के पास एक एडिशनल डीएनए का सेगमेंट होता है जिसे हम प्लाज्मिड कह रहे हैं उसको हम एफ पॉजिटिव सेल या डोनर सेल भी कहते हैं, या फिर हम इसको मेल सेल भी कहते हैं क्योंकि इसके पास प्लाज्मिड है। जो दूसरी सेल है उसके पास प्लाज्मिड नहीं है इसीलिए हम इसको एफ माइनस सेल या रेसिपिएंट सेल या फिर फीमेल सेल भी कहते हैं। अब होता यह है कि जो ये एफ प्लाज्मिड होता है यानी कि ये फर्टाइल होता है, ये फर्टिलिटी को कंट्रोल करता है। जो एफ प्लाज्मिड है इसके अंदर कुछ जीन्स ऐसे होते हैं जो पाइलस की फॉर्मेशन को कंट्रोल करते हैं। अब ये पाइलस की फॉर्मेशन को कंट्रोल करता है तो ये बैक्टीरिया की सेल को कहता है कि आप पाइलस की फॉर्मेशन करिए। अब क्या होता है, अब ये बैक्टीरिया की सेल यहाँ पर एक पाइलस की फॉर्मेशन करती है और ये पाइलस जो है दूसरी बैक्टीरियल सेल के साथ अटैच हो जाता है। और ये आपने पढ़ चुका है कि पाइलस जो है ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया में प्रोड्यूस होता है और ये ट्यूबुलर सी स्ट्रक्चर होती है। अब ये ट्यूबुलर स्ट्रक्चर दो बैक्टीरिया की सेल को कनेक्ट कर देती है। जैसे ही दो बैक्टीरिया की सेल कनेक्ट हो जाती है ये जो प्लाज्मिड है ये अपनी एक कॉपी बनाना स्टार्ट करता है, यानी कि ये अपने आप को रेप्लिकेट कर देता है। अब यहाँ पर ग्रीन कलर से मैं इसकी एक कॉपी बना देता हूँ। अब ये अपने आप को रेप्लिकेट करता है और ये अपनी एक कॉपी यानी कि जो ग्रीन कलर का डीएनए है ये यहाँ पर दूसरी बैक्टीरिया की सेल के अंदर ट्रांसफर कर देता है। ये जो प्रोसेस है सेल टू सेल ट्रांसफर हो रहा है डीएनए के एक सेगमेंट का, इसको कॉन्जुगेशन कहते हैं। और कॉन्जुगेशन के प्रोसेस में आपने समझ लिया होगा कि एफ प्लाज्मिड का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है। इस तरह से जो एफ पॉजिटिव सेल होती है इसके पास एफ प्लाज्मिड होता है, इससे एफ प्लाज्मिड एफ नेगेटिव सेल में ट्रांसफर हो जाता है। अब क्योंकि ये सेल थी इसके पास पहले प्लाज्मिड नहीं था लेकिन अब इसके पास प्लाज्मिड आ चुका है तो ये सेल अब एफ पॉजिटिव सेल में कन्वर्ट हो जाती है। तो इस तरह से एफ प्लाज्मिड का काम होता है कॉन्जुगेशन में हेल्प करना, सेक्स पाइलस की फॉर्मेशन को कंट्रोल करना, फर्टिलिटी में अपना रोल प्ले करना।
ज्यादातर जो एफ प्लाज्मिड होता है ये अपने आप को ही रेप्लिकेट करके ट्रांसफर करता है, लेकिन कुछ कंडीशंस में ये न्यूक्लियर जीन्स को भी ट्रांसफर करता है। न्यूक्लियर जीन्स को एफ प्लाज्मिड कैसे ट्रांसफर करता है ये आप पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, जब हम पढ़ेंगे कॉन्जुगेशन के बारे में। तो अभी तक हमने एफ प्लाज्मिड के बारे में समझ लिया है, अब हम देखते हैं आर प्लाज्मिड क्या होता है। आर का मतलब यहां पर है रेसिस्टेंस से, यानी कि ये जो प्लाज्मिड होता है इसके पास कुछ ऐसे जीन्स होते हैं जो कुछ स्पेसिफिक एंटीबायोटिक के अगेंस्ट काम करते हैं। जैसे ही आपकी बॉडी में कोई इन्फेक्शन हो गया है, फॉर एग्जांपल आपकी बॉडी में एक बैक्टीरिया का इन्फेक्शन हो गया है और ये बैक्टीरिया आपकी बॉडी के ऊपर अटैक करना स्टार्ट कर रहा है, अब इस बैक्टीरिया के अगेंस्ट डॉक्टर आपको एंटीबायोटिक्स दे देता है। बहुत सारे एंटीबायोटिक्स होते हैं जैसे टेट्रासाइक्लिन है, स्ट्रेप्टोमाइसिन है, सल्फोनेमाइड है और क्लोरामफेनिकोल होती है। अब मान के चलिए आपको टेट्रासाइक्लिन डॉक्टर ने दे दी, ये बैक्टीरिया है इस पर अटैक करने के लिए आपको डॉक्टर ने दे दी टेट्रासाइक्लिन। टेट्रासाइक्लिन ये ग्रीन कलर में है, ये आपने खा ली, ये टेट्रासाइक्लिन अटैक करती है बैक्टीरिया के ऊपर और बैक्टीरिया की डेथ हो जाती है। अब इस तरह से बैक्टीरिया के ऊपर एंटीबायोटिक काम कर देती है और बैक्टीरिया की मौत हो जाती है और बैक्टीरिया की जो डिजीज है उससे हम बच जाते हैं। लेकिन कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जिनको हम बदतमीज बैक्टीरिया बोल सकते हैं, ये एक बैक्टीरिया है उसका या सर्कुलर डीएनए भी है, उसके पास प्लाज्मिड होता है। इसका जो प्लाज्मिड वाला पोर्शन होता है इसके पास कुछ जीन्स ऐसे होते हैं जिनके अंदर एंटीबायोटिक रेसिस्टेंस होती है, यानी कि जो एंटीबायोटिक रेसिस्टेंस जीन्स होते हैं ये कुछ ऐसे केमिकल सब्सटेंस की फॉर्मेशन करते हैं जो एंटीबायोटिक के अगेंस्ट काम करे। यानी कि आपके अंदर एक बैक्टीरिया का इन्फेक्शन हुआ, आपने उसको इन्फेक्शन को कम करने के लिए टेट्रासाइक्लिन खाई, लेकिन जो बैक्टीरिया आपके अंदर है उसके अंदर टेट्रासाइक्लिन के अगेंस्ट सब्सटेंस प्रोड्यूस करने वाला प्लाज्मिड है जिसको हम कहते हैं आर प्लाज्मिड। आर प्लाज्मिड क्या करेगा, कुछ ऐसे सब्सटेंस बनाएगा जो एंटीबायोटिक्स के अगेंस्ट काम करेंगे और उस एंटीबायोटिक का असर बैक्टीरिया के ऊपर नहीं होगा। इस तरह से वो बैक्टीरिया जो डिजीज फैला रहा है वो डिजीज होती रहेगी और एंटीबायोटिक्स आपकी कोई काम नहीं आएंगी। तो इस इमेज में आप ये देखें यहाँ पर एक ये प्लाज्मिड है जिसको हम आर प्लाज्मिड बोल रहे हैं या रेसिस्टेंस प्लाज्मिड हम इसको बोल सकते हैं। यहाँ पर एक इसका सेगमेंट है, इसका जीन्स है एक, यहाँ पर टेट्रासाइक्लिन रेसिस्टेंस जीन्स ये है, यानी ये जो जीन्स है कुछ ऐसे सब्सटेंसेस को बनाएगा जो टेट्रासाइक्लिन के ऊपर काम करे। यानी बाहर से आपने टेट्रासाइक्लिन डाली और ये जो केमिकल सब्सटेंसेस हैं ये टेट्रासाइक्लिन को न्यूट्रलाइज कर देते हैं। अब टेट्रासाइक्लिन का बैक्टीरिया के ऊपर कोई असर नहीं होगा, अब बैक्टीरिया हो जाएगा रेसिस्टेंस। तो अगर ऐसे बैक्टीरिया जो रेसिस्टेंस है एंटीबायोटिक्स से आपकी बॉडी के अंदर है तो उसको ट्रीट करना बहुत ही डिफिकल्ट हो जाएगा। अब ये चीज आपने समझ ली कि वो प्लाज्मिड जो स्पेसिफिक टाइप ऑफ एंटीबायोटिक्स के अगेंस्ट कुछ केमिकल सब्सटेंसेस बना सकता है उसको हम बोलते हैं आर प्लाज्मिड। अब आर प्लाज्मिड अपने आप को ट्रांसफर कैसे करता है, आर प्लाज्मिड के पास जिस तरह से एफ प्लाज्मिड कंट्रोल करता है सेक्स पाइलस फॉर्मेशन को, इसी तरह से आर प्लाज्मिड के पास वो जीन्स भी होते हैं जो पाइलस की फॉर्मेशन को कंट्रोल करते हैं। तो ये पहले पाइलस की फॉर्मेशन कराता है, पाइलस की फॉर्मेशन कराने के बाद में दूसरी बैक्टीरिया की जो सेल है उससे अपने आप को जोड़ता है और उससे अपने आप को जोड़ने के बाद में अपने डीएनए को रेप्लिकेट करके दूसरी बैक्टीरिया की सेल में बड़ी इजीली पहुंचा देता है। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे ये वाला जो पोर्शन है इसका, यहाँ पर इस पर दिखाया गया है पाइलस सिंथेसिस जीन्स। यानी आर प्लाज्मिड एक ऐसा प्लाज्मिड है जो फर्टिलिटी प्रोवाइड करा रहा है, पाइलस की फॉर्मेशन भी करा रहा है और इसके पास एंटीबायोटिक रेसिस्टेंस जीन्स भी हैं। अगर ये अपना रेप्लिकेट करके दूसरी बैक्टीरिया की सेल को अपना प्लाज्मिड ट्रांसफर कर देगा तो वो बैक्टीरिया भी एंटीबायोटिक के रेसिस्टेंस डेवलप कर लेगा। तो ये हो गया आर प्लाज्मिड। आर प्लाज्मिड हमने समझ लिया है, इसके बाद में अब हम पढ़ते हैं कोल प्लाज्मिड को। यहाँ पर कोल का मतलब है कोलिसिन्स। कोलिसिन्स का मतलब होता है ये कुछ टॉक्सिक प्रोटीन्स होते हैं जो दूसरे बैक्टीरिया पर ही अटैक करते हैं। फॉर एग्जांपल आपकी इंटेस्टाइन में एक बैक्टीरिया है जिसका नाम है लैक्टोबैसिलस। ये लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया है आपके इंटेस्टाइन में, ये गुड बैक्टीरिया है, ये आपकी बॉडी के लिए बहुत ही अच्छा काम करता है। आपके इंटेस्टाइन में ये लैक्टोज को डाइजेस्ट करता है और लैक्टोज जो शुगर होती है उसको कन्वर्ट कर देता है लैक्टिक एसिड्स में। अब हमारी इंटेस्टाइन का काम आसान हो जाता है, डाइजेशन में ये हमारी हेल्प कर देता है, इसी वजह से हम इसको गुड बैक्टीरिया कह रहे हैं। तो ये गुड बैक्टीरिया है आपके इंटेस्टाइन में बहुत ही अच्छे से ग्रो कर रहा है, लेकिन आपके इंटेस्टाइन में ही एक और बैक्टीरिया ग्रो कर रहा है जिसका नाम है ईकोलाई। ये जो प्लाज्मिड है ये कोल प्लाज्मिड है, ये ईकोलाई के अंदर प्रेजेंट है और उसके अंदर एक सेगमेंट है जो ऑरेंज कलर का आप देख रहे हैं। ये सेगमेंट कुछ
टॉक्सिक केमिकल्स को प्रोड्यूस करता है, यानी कि ये जीन्स हैं जो कुछ केमिकल्स को प्रोड्यूस करते हैं, उन केमिकल्स को कहते हैं कोलिसीन्स। ई कोलाई एक दूसरा बैक्टीरिया आपके इंटेस्टाइन में था जिसने कोलिसीन्स प्रोड्यूस किए, और ये कोलिसीन्स जो हैं लैक्टोबैसिलस को किल कर देते हैं। तो इस तरह से ई कोलाई बैक्टीरिया आपके इंटेस्टाइन में बड़ी आसानी से सर्वाइव करेगा, और ये जो गुड बैक्टीरिया यानी कि जो लैक्टोबैसिलस था उसको वहाँ से ख़त्म करेगा। अब इसके अंदर ये जो कैपेबिलिटी आई है ऐसे पॉइजनस सब्सटेंसेस को प्रोड्यूस करने की जिससे ये दूसरे बैक्टीरिया को किल कर सके, ये इसके अंदर कैपेबिलिटी लाई है कोल प्लाज्मिड की हेल्प से। कोल प्लाज्मिड इसके अंदर ऐसे जीन्स लेकर के आया है जिसकी हेल्प से ये कुछ पॉइजनस सब्सटेंसेस को बना रहा है जो कि दूसरे बैक्टीरिया को या जिसको हम एंट्रोबैक्टीरिया बोल रहे हैं उनको किल कर देता है। इस वजह से जो ये प्लाज्मिड होता है इसको कोलिसीजेनिक फैक्टर भी बोलते हैं, और ये अलग अलग टाइप के कोलिसिन्स प्रोड्यूस करते हैं। यानी कि एक कोल प्लाज्मिड होगा उसके अंदर एक अलग टाइप का कोलिसिन प्रोड्यूस होगा, दूसरे टाइप का कोल प्लाज्मिड होगा उसके अंदर दूसरे टाइप का कोलिसिन प्रोड्यूस होगा। तो इस तरह से ये जो कोल प्लाज्मिड है इसके अंदर ये एबिलिटी है कुछ टॉक्सिन्स प्रोड्यूस करने की जिससे ये दूसरे बैक्टीरिया को आसानी से किल कर सके। अब जिस तरह से नॉर्मल जो बैक्टीरिया था एफ प्लाज्मिड था या आर प्लाज्मिड था उसके अंदर कैपेसिटी थी अपने आप को ट्रांसफर कर देने की, यानी कि फर्टिलिटी फैक्टर्स उसके अंदर थे, उसके पास जीन्स थे जो कि प्रोड्यूस कर सकते हैं पाइलस फॉर्मेशन को, इसी तरह से कोल प्लाज्मिड के अंदर भी पाइलस फॉर्मेशन वाले जीन्स होते हैं, यानी कि यहाँ पर इसके अंदर कोलिसिन प्रोड्यूस करने वाले जीन्स हैं, यहाँ पर इसके अंदर पाइलस की फॉर्मेशन करने वाले जीन्स हैं। जिस बैक्टीरिया की सेल के अंदर कोल प्लाज्मिड होगा उसके अंदर ये पाइलस की फॉर्मेशन कराएगा, अपने आप को रेप्लिकेट करेगा और पाइलस के हेल्प से पाइलस के थ्रू दूसरी बैक्टीरिया की सेल में चला जाएगा। तो इस तरह से ऐसे इकोलाई की पॉपुलेशन बढ़ती चली जाएगी जिनके पास कोलिसिन्स हो, और ये कोलिसिन्स दूसरे बैक्टीरिया को किल कर देंगे, यानी हमारे इंटेस्टाइन में रहने वाले गुड बैक्टीरिया को ये किल कर देंगे, और जो बैड बैक्टीरिया है उसकी पॉपुलेशन बढ़ जाएगी, उससे क्या होगा उससे हमें फूड पॉइजनिंग हो जाएगी यानी हमारा पेट खराब हो जाएगा। तो ये हमने तीनों टाइप के प्लाज्मिड्स पढ़ लिए हैं। अब हम पढ़ते हैं फंक्शंस ऑफ प्लाज्मिड्स, यानी प्लाज्मिड्स का क्या फंक्शन है, हम उनको कैसे यूज करते हैं। तो प्लाज्मिड का हम प्रयोग करते हैं जेनेटिक इंजीनियरिंग में, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपको बहुत ही अच्छे से ये समझनी है, और सिंपल भी है बहुत है, इसमें कठिन कुछ नहीं है। इसका हम एक वेक्टर की तरह से प्रयोग करते हैं, यानी कि हम अपने मन मर्जी से कोई सब्सटेंस एक बैक्टीरिया से प्रोड्यूस करा सकते हैं प्लाज्मिड की हेल्प से। वो हम कैसे करेंगे, बहुत आसान है। यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर एक प्लाज्मिड है आपके पास, इस प्लाज्मिड के पास एक सेगमेंट है डीएनए का जिसको हम जीन कह रहे हैं। ये जो जीन्स है ये कंट्रोल करता है टेट्रासाइक्लिन रेसिस्टेंस को, यानी ये जो पोर्शन है इसकी हेल्प से ये जो प्लाज्मिड है कुछ ऐसे सब्सटेंसेस को बनवाता है बैक्टीरिया की सेल से जो टेट्रासाइक्लिन एंटीबायोटिक आने पर उसके ऊपर अटैक करेंगे और उनको न्यूट्रलाइज कर देंगे। तो ये बात हमने पढ़ ली, ये बात हमने समझ ली कि ये जो प्लाज्मिड है ये टेट्रासाइक्लिन रेसिस्टेंस जीन्स बना रहा है। अब हमने एक दूसरा बैक्टीरिया देखा, हमने एक ईकोलाई का बैक्टीरिया देखा, और हमने ये समझा कि ये जो बैक्टीरिया है इसके पास ऐसे जीन्स है जो इंसुलिन की फॉर्मेशन करते हैं, यानी एक इंसुलिन एक हॉर्मोन होता है, ये एक ईकोलाई का बैक्टीरिया है, इसके अंदर हमने ये देखा कि ये इंसुलिन प्रोड्यूस कर रहा है। अब इंसुलिन कैसे प्रोड्यूस कर रहा है, यहां पर इसका जो डीएनए इसके अंदर ये एक सेगमेंट है जो यहां पर इसके अंदर इंसुलिन का प्रोडक्शन कर रहा है। अब इंसुलिन हमारे लिए बहुत काम का है, जिनको डायबिटीज होती है उनको इंसुलिन का इंजेक्शन दिया जाता है, और इंसुलिन एक हार्मोन होता है जो हमें बाहर से सिंथेसाइज करना पड़ता है। अब हमने देखा है कि ये जो बैक्टीरिया ये इंसुलिन प्रोड्यूस कर रहा है, और इसका ये जो डीएनए है ये वो सेगमेंट है जो इंसुलिन को इंसुलिन के प्रोडक्शन को कंट्रोल करता है। अब हम क्या करेंगे, हमारे लिए बहुत आसान है, हम ये जो डीएनए का सेगमेंट है हम ये यहाँ से उठाएंगे और टेट्रासाइक्लिन वाले पोर्शन पर इसको रिप्लेस कर देंगे। यानी अब ये जो प्लाज्मिड है, ये जो प्लाज्मिड पहले टेट्रासाइक्लिन रेसिस्टेंस प्रोड्यूस कर रहा था, अब ये प्रोड्यूस करना स्टार्ट करेगा इंसुलिन को, हम इसको एक बैक्टीरिया के अंदर ट्रांसफर कर देंगे और वो बैक्टीरिया इंसुलिन बनाना शुरू कर देगा। अब आगे हम फायदा कैसे लेंगे, आगे हम फायदा ऐसे लेंगे कि ये रेप्लिकेट करेगा, इसके पास पाइलस सिंथेसाइजिंग जीन्स भी है, पाइलस की फॉर्मेशन करेगा और 20 मिनट्स के बाद ही ये अपने आप को रेप्लिकेट करेगा खुद से, अब हमें कुछ नहीं करना है, ये अपने आप को खुद से रेप्लिकेट करेगा, रेप्लिकेट करके जो इंसुलिन फॉर्मेशन वाला जीन्स है दूसरे बैक्टीरिया को दे देगा, अब दूसरा बैक्टीरिया भी इंसुलिन बनाना शुरू कर देगा। अब इस तरह से हमने एक टूल तैयार किया, हमने सिर्फ एक बार मेहनत की, हमने एक बैक्टीरिया के अंदर इंसुलिन प्रोड्यूस करने वाला जीन्स जो है ट्रांसफ़र कर दिया। अब क्योंकि प्लाज्मिड के अंदर हमने ट्रांसफ़र किया है और प्लाज्मिड के अंदर फर्टिलिटी
वाले जीन्स हैं, ये अपने आप को ये फर्टाइल है, अपने आप को रेप्लिकेट करता है और दूसरे बैक्टीरिया के अंदर ट्रांसफर भी करता है। तो 20 मिनट्स में हमारे पास एक ऐसा दूसरा बैक्टीरिया रेडी हो जाएगा जो इंसुलिन का प्रोडक्शन करता हो, और नेक्स्ट 20 मिनट्स में हमारे पास और बैक्टीरिया हो जाएंगे। तो इस तरह से 24 आवर्स में हमारे पास बहुत सारे ऐसे बैक्टीरिया आ जाएंगे जो इंसुलिन की फॉर्मेशन कर रहे हों और हम इंसुलिन प्रोड्यूस करना स्टार्ट कर देंगे। इस टेक्निक को हम बोलते हैं जेनेटिक इंजीनियरिंग, और इस जेनेटिक इंजीनियरिंग में हमने प्लाज्मिड का इस्तेमाल कर लिया है। तो इस तरह से जो प्लाज्मिड्स होते हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टूल होते हैं, वेक्टर्स की तरह से काम करते हैं। हम इनकी हेल्प से एक डिजायर्ड जीन्स को इंट्रोड्यूस कर सकते हैं एक बैक्टीरिया के अंदर और उनसे अपना डिजायर्ड प्रोडक्ट बनवा सकते हैं, क्योंकि इनको ट्रांसफ़र किया जा सकता है, इसलिए इनको ट्रांसफ़र प्लाज्मिड्स भी कहते हैं। कुछ प्लाज्मिड्स ऐसे होते हैं जो कोई भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट केमिकल सब्सटेंस की फॉर्मेशन नहीं करते हैं, सिर्फ वो ट्रांसफ़र होते हैं, उनके ट्रांसफ़र होने से कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता है। ऐसे प्लाज्मिड्स को क्रिप्टिक प्लाज्मिड्स कहा जाता है। तो ये हो गए प्लाज्मिड्स के फंक्शंस, हमने प्लाज्मिड्स के तीनों टाइप्स और फंक्शंस अच्छे से समझ लिए हैं। अब हम पढ़ेंगे इंक्लूजन बॉडीज़ के बारे में। इंक्लूजन जो वर्ड होता है ये लिया गया इंक्लूड वर्ड से, और इंक्लूड का मतलब होता है सम्मिलित करना। यहाँ पर इंक्लूजन बॉडीज का भी यही मतलब है कि ये कुछ ऐसी स्ट्रक्चर्स है जो एक रेगुलर बैक्टीरिया की सेल के अंदर बहुत सारी जो स्ट्रक्चर्स मिलते हैं उनके अलावा इनको इंक्लूड किया जाता है सेल के अंदर। बैक्टीरिया की सेल के अंदर क्या क्या मिलता है, क्लोरोसोम मिलता है, मीजोसोम मिलता है, प्लाज्मिड मिलता है, न्यूक्लियोइड मिलता है। अब उसके अलावा भी यहाँ पर कुछ नॉन लिविंग स्ट्रक्चर्स होती हैं जिनको इंक्लूजन बॉडीज कहा जाता है। ये नॉन लिविंग होती है और इनको हम तीन टाइप्स में स्टडी करते हैं। सबसे पहले हम पढ़ते हैं गैस वैक्यूल्स को, फिर हम पढ़ते हैं इनऑर्गेनिक इंक्लूजन्स को, फिर हम पढ़ेंगे फूड रिजर्व्स को। इन तीनों को हम अलग अलग से पढ़ते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं गैस वैक्यूल्स क्या होती हैं। गैस वैक्यूल्स नेम से ही आप समझ गए होंगे, ये गैस को स्टोर करने वाली वैक्यूल्स होती हैं। ये ऐसी स्ट्रक्चर्स होते हैं, इनके बाहर कोई मेम्ब्रेन नहीं होती है लेकिन इनके अंदर छोटी छोटी वेसिकल्स होती हैं। जैसे कि आपने छोटे छोटे बैलून्स देखे होंगे, होली पर भी हम बैलून्स को फुलाते हैं, उनके अंदर कलर्स भर देते हैं। यहाँ पर बस ऐसे ही छोटे छोटे बैलून्स की फॉर्म में वेसिकल्स रखी गई हैं सेल के अंदर, और उनके अंदर गैस भरी हुई है। जैसे कि आप देखें ये वेसिकल्स हैं, ये छोटी छोटी, मैं कुछ वेसिकल्स यहाँ पर ड्रॉ कर देता हूँ, ये वेसिकल्स हैं। अब इन बहुत सारी वेसिकल्स को मिलाकर के जो स्ट्रक्चर बन गई है जिसके बाहर कोई मेम्ब्रेन नहीं है, इस तरह की स्ट्रक्चर को हम बोलेंगे गैस वैक्यूल। इस एक गैस वैक्यूल के अंदर बहुत सारी छोटी छोटी गैस वेसिकल्स होती हैं। जो गैस वेसिकल्स होते हैं ये वाटर के लिए इम्परमीएबल होती हैं, यानी जो बैक्टीरिया वाटर में रह रहा है इनके अंदर, इनकी जो मेम्ब्रेन है इसके अंदर वाटर नहीं जाएगा, लेकिन इसके अंदर बहुत सारी गैसेस आसानी से आ जा सकती हैं। यानी जो गैसेस हैं एनवायरनमेंट की, जितनी भी गैसेस हैं वो इन वेसिकल्स के अंदर जा सकती हैं और वाटर इसके अंदर नहीं जा सकता है। ये जो वेसिकल्स की मेम्ब्रेन होती है ये प्रोटीन की बनी हुई होती है, इसके अंदर लिपिड्स वगैरह नहीं होते हैं, सिर्फ इसके अंदर प्रोटीन्स होते हैं। जितनी भी एटमोस्फेरिक गैसेज हैं वो सारी की सारी गैसेज को बैक्टीरिया इन वेसिकल्स के अंदर स्टोर करके रखता है। अब इसका क्या फ़ायदा है? पहला फ़ायदा ये है कि ये एक बैक्टीरिया को हार्मफुल रेडिएशन से बचा देती है। दूसरा फायदा होता है कि बैक्टीरिया को ब्यूएंसी प्रोवाइड कराती है। ब्यूएंसी का मतलब यहाँ पर यह है कि एक बैक्टीरिया जो है अगर उसको फोटोसिंथेसिस करना है तो फोटोसिंथेसिस करने के लिए उसको वाटर की सरफेस पे रहना होगा, ऊपर रहना होगा। अब ऊपर रहेगा तभी वो वाटर की सरफेस पे रहेगा, तभी उसको वहाँ पर अच्छे से सनलाइट मिल पाएगी और ज़्यादा से ज़्यादा वो फोटोसिंथेसिस कर पाएगा। अब वही चीज़, वही एबिलिटी बैक्टीरिया को ये गैस वैक्यूल्स प्रोवाइड करा देती हैं। जिस तरह से अगर आप स्विमिंग के लिए जाते हैं तो वहाँ पर ट्यूब्स पड़ी रहती हैं, आप उनको पहन लेते हैं, उनसे आप नहीं डूबते हैं, इसी तरह से यहाँ पर बैक्टीरिया के अंदर गैस वैक्यूल्स रहती हैं। गैस वैक्यूल्स की वजह से बैक्टीरिया जो है वाटर की सरफेस पर ऊपर ही रहता है। अब ऊपर रहने की वजह से वो बड़े आसानी से फोटोसिंथेसिस कर लेता है, अगर नीचे चला जाएगा तो उसको प्रॉपर सनलाइट नहीं मिल पाएगी और प्रॉपर फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाएगा, क्योंकि आप समझ गए हैं कि गैस वैक्यूल्स फोटोसिंथेसिस में इनडायरेक्टली हेल्प कर रही हैं। तो ये मिलेंगी ऐसी बैक्टीरिया के अंदर जिसके अंदर फोटोसिंथेसिस की एबिलिटी होती है। फोटोसिंथेसिस के बारे में थोड़ा सा आपने पढ़ा था जब आपने क्लोरोसोम पढ़ा था, वहाँ पर आपने पढ़ा था कि जो ग्रीन सल्फर और पर्पल सल्फर बैक्टीरिया होता है उसके पास क्लोरोसोम होता है और वो फोटोसिंथेसिस कर लेता है। तो जो गैस वैक्यूल्स होते हैं ये मिलते हैं ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया में और पर्पल सल्फर बैक्टीरिया में। इसके अलावा साइनोबैक्टीरिया आप पढ़ेंगे आगे के कुछ वीडियो लेक्चर्स में, साइनोबैक्टीरिया के अंदर भी गैस वैक्यूल्स मिलती हैं। तो इन तीनों बैक्टीरिया में क्या डिफरेंस है मैं आपको थोड़ा सा वो समझा देता हूँ, आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट है, यहाँ पर कोई ज़्यादा जरूरत नहीं है, फिर भी आप समझ लीजिए, आपको इजी रहेगा। तो जो ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया है और पर्पल सल्फर बैक्टीरिया है इसके बारे में आप पढ़ चुके हैं क्लोरोसोम में, वहाँ पर आपने पढ़ा था कि
इनके अंदर कुछ पिगमेंट्स होते हैं जिनकी हेल्प से ये सनलाइट को ट्रैप करते हैं और एनोक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस करते हैं, यानी कि इनके फोटोसिंथेसिस में ऑक्सीजन रिलीज नहीं होती है, इनके फोटोसिंथेसिस में सल्फर रिलीज होती है, इसलिए इनको सल्फर बैक्टीरिया कहते हैं। जो ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया है ये एनोक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस करता है, सल्फर रिलीज कर देता है। इसके अंदर जो फोटोसिंथेटिक पिगमेंट होता है वो होता है क्लोरोबियम क्लोरोफिल या बैक्टीरियो वायरिडिन। इसके अलावा जो पर्पल सल्फर बैक्टीरिया है ये भी सल्फर रिलीज करता है, और इसके अंदर जो फोटोसिंथेटिक पिगमेंट है वो है बैक्टीरियो क्लोरोफिल। ग्रीन सल्फर का एक एग्जाम्पल हो गया क्लोरोबियम, इसी से क्लोरोबियम क्लोरोफिल बना है, और पर्पल सल्फर का एग्जाम्पल हो गया क्रोमेशियम। अब यहाँ पर थोड़ा सा डिफरेंट होता है साइनोबैक्टीरिया के लिए, साइनोबैक्टीरिया जो फोटोसिंथेसिस करता है वो ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस करता है और ये ऑक्सीजन रिलीज करता है, इसी की वजह से इसके पास जो फोटोसिंथेटिक पिगमेंट होता है वो होता है क्लोरोफिल ए, इसका एग्जाम्पल है नोस्टोक। तो इन तीनों टाइप के बैक्टीरिया का अंतर आप समझ गए होंगे। अब हम पढ़ते हैं इनऑर्गेनिक इंक्लूजन्स के बारे में। इनऑर्गेनिक इंक्लूजन्स जो होते हैं वो कुछ छोटी छोटी ग्रैन्यूल्स होते हैं जो इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस को बैक्टीरिया के साइटोप्लाज्म के अंदर स्टोर करते हैं, इनको मेटाक्रोमेटिक ग्रैन्यूल्स भी कहा जाता है। अब मेटाक्रोमेटिक ग्रैन्यूल्स इसलिए कहा जाता है इनको क्योंकि ये मेटाक्रोमेटिक इफेक्ट क्रिएट करती है। मेटाक्रोमेटिक इफेक्ट से मतलब ये है कि हमने एक बैक्टीरिया लिया, हमने उसको स्टेन करने के लिए ब्लू कलर की डाई उसके ऊपर डाल दी। अब बैक्टीरिया ने पूरा का पूरा ब्लू कलर ले लिया और बैक्टीरिया पूरा में ब्लू कलर का दिखाई दे रहा है, लेकिन उसके साइटोप्लाज्म के अंदर कुछ छोटे छोटे ग्रैन्यूल्स ऐसी हैं जो हमें रेड कलर की दिखाई दे रही हैं, यानी कि उनका जो कलर है वो उस कलर से डिफरेंट है जो हमने पूरे बैक्टीरिया को स्टेन करने के लिए यूज किया था। इस इफेक्ट को हम मेटाक्रोमेटिक इफेक्ट बोलते हैं, और जो साइटोप्लाज्म के अंदर इनऑर्गेनिक ग्रैन्यूल्स ऐसी होती हैं जो मेटाक्रोमेटिक इफेक्ट शो कर रही होती है हम उनको मेटाक्रोमेटिक ग्रैन्यूल्स बोलते हैं। ये जो ग्रैन्यूल्स होती हैं ये रेड कलर की स्टेन होती हैं ब्लू डाई में, यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे सब जगह यहाँ पर ब्लू कलर आपको दिखाई देगा, लेकिन ये जो ग्रैन्यूल्स हैं ये आपको रेड कलर में दिखाई देंगे। अब जो इनऑर्गेनिक इंक्लूजन्स होते हैं इनके अंदर वो कई टाइप के होते हैं, अब इसी वजह से इनको हम कई टाइप्स में डिवाइड करके स्टडी करते हैं। कुछ ग्रैन्यूल्स होते हैं जिनको हम बोलते हैं वोलेटिन ग्रैन्यूल्स, कुछ ग्रैन्यूल्स को हम बोलते हैं सल्फर ग्रैन्यूल्स, आयरन ग्रैन्यूल्स एंड मैग्नेटाइट ग्रैन्यूल्स। वोलेटिन ग्रैन्यूल्स जो होती हैं ये इनऑर्गेनिक पॉलीफॉस्फेट को स्टोर करती हैं, यानी कि इनके अंदर बहुत सारे फॉस्फेट के एटम्स स्टोर रहते हैं, और अनफेवरेबल कंडीशंस में एक बैक्टीरिया इनको स्टोर करना स्टार्ट कर देता है। अब आपको ये याद रखना है कि वोलेटिन ग्रैन्यूल्स के अंदर क्या स्टोर रहता है। आंसर इज वोलेटिन ग्रैन्यूल्स के अंदर पॉलीफॉस्फेट स्टोर रहता है। इसके अलावा जो सल्फर बैक्टीरिया है उसके अंदर सल्फर ग्रैन्यूल्स रहती हैं, इनके अंदर ये सल्फर को स्टोर करता है। फिर आती है आयरन ग्रैन्यूल्स की बारी। आयरन ग्रैन्यूल्स उन बैक्टीरिया के अंदर होती है जो आयरन को इस्तेमाल करता है अपने फूड सोर्स की फॉर्म में एनर्जी ऑब्टेन करने के लिए, इसके अंदर ये आयरन को स्टोर करता है। और यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट आती है मैग्नेटाइट ग्रैन्यूल्स, जो कि आपने थंबनेल में भी देखा होगा कि ये कोई ऐसा बैक्टीरिया है जो मैग्नेट की तरह से काम करता है, तो वही ये बैक्टीरिया है जिसको हम बोलते हैं मैग्नेटोस्टेटिक बैक्टीरिया। मैग्नेटोस्टेटिक बैक्टीरिया जो होता है इसके अंदर मैग्नेटाइट ग्रैन्यूल्स होती हैं। अब मैग्नेटाइट ग्रैन्यूल्स क्या होती हैं, यहाँ पर एक ग्रैन्यूल मैं बना लेता हूँ, ये ग्रैन्यूल है जिसको हम बोलते हैं मैग्नेटाइट ग्रैन्यूल, और इसके अंदर छोटी छोटी वेसिकल्स हैं जिनको हम बोलते हैं मैग्नेटोसोम। तो ये एक ग्रैन्यूल है जिसको हम बोल रहे हैं मैग्नेटाइट ग्रैन्यूल, और एक मैग्नेटाइट ग्रैन्यूल के अंदर छोटी छोटी वेसिकल्स हैं जिनको हम बोल रहे हैं मैग्नेटोसोम, और मैग्नेटोसोम्स के अंदर आयरन के कुछ पार्टिकल्स स्टोर्ड हैं और ये काम करते हैं एक मैग्नेट की तरह से। अब मैग्नेट की तरह से काम ये करती है, और मैग्नेट का क्या इफेक्ट इस पर पड़ता है, इसके ऊपर इफेक्ट ये पड़ता है कि जब ये बैक्टीरिया स्विमिंग करता है साउथ पोल से नॉर्थ पोल की तरफ, तो क्योंकि इसके अंदर मैग्नेटिक इफेक्ट प्रोड्यूस करने वाली मैग्नेटाइट ग्रैन्यूल्स है, ये बहुत ही तेजी से बहुत ही स्पीड से स्विम करता है। अगर कंपेयर करें हम दूसरे बैक्टीरिया से इसको, तो उन बैक्टीरिया के कंपेरेटिवली जो अर्थ का जियोमैग्नेटिक फील्ड है उसके अंदर बहुत ही तेजी से स्विमिंग कर लेता है। स्विमिंग क्यों करता है, क्योंकि इसके अंदर आयरन की मैग्नेटिक ग्रैन्यूल्स हैं और उनकी हेल्प से ये बहुत ही तेजी से अर्थ का जो जियोमैग्नेटिक फील्ड है उसके साथ साथ साउथ पोल से नॉर्थ पोल की तरफ तेजी से मूव करता है। और जो बैक्टीरिया होते हैं उनके कंपेरेटिवली इसकी जो मूवमेंट है वो बहुत ज़्यादा होती है, इसी वजह से इस बैक्टीरिया को ये बोला जाता है कि ये फास्ट है, और क्योंकि इसके अंदर मैग्नेट्स प्रेजेंट हैं इस वजह से ये तेजी से स्विम कर रहा है। तो इस तरह का बैक्टीरिया जिसके अंदर मैग्नेटाइट ग्रैन्यूल्स होते हैं उसको हम बोलते हैं मैग्नेटोस्टेटिक बैक्टीरिया। इसका एक एग्जाम्पल है एक्वा स्पाइरिलम मैग्नेटोटेक्टिकम। तो ये इफेक्ट हो गया इंक्लूजन, इनऑर्गेनिक इंक्लूजन्स का एक बैक्टीरिया के अंदर। अब हम पढ़ते हैं फूड रिजर्व्स के बारे में। बैक्टीरिया अपना जो फूड है वो ग्लाइकोजन की फॉर्म में रिजर्व करता है,
ग्लाइकोजन जो होता है वो कार्बोहाइड्रेट का स्टोर्ड फॉर्म होता है और ज्यादातर बैक्टीरिया अपना फूड ग्लाइकोजन की फॉर्म में ही स्टोर करता है। इसके अलावा जो साइनोबैक्टीरिया होता है उसके अंदर साइनोफाइशियन स्टार्च और मिक्सोफाइशियन स्टार्च की फॉर्म में भी फूड को स्टोर किया जाता है। साइनोबैक्टीरिया जो होता है उसको हम स्टडी करते हैं दो फैमिलीज के अंदर, एक फैमिली होता है फैमिली साइनोफाइसी, दूसरी फैमिली होती है फैमिली मिक्सोफाइसी। साइनोफाइसी के अंदर जो स्टार्च होता है उसको हम बोलते हैं साइनोफाइशियन स्टार्च और जो मिक्सोफाइसी के अंदर स्टार्च होता है उसको हम बोलते हैं मिक्सोफाइशियन स्टार्च। तो इस तरह से ये अपना फूड यानी कार्बोहाइड्रेट्स को स्टोर करते हैं। इसके अलावा साइनोबैक्टीरिया लिपिड्स या फैट्स को बीटा ग्रैन्यूल्स की फॉर्म में और प्रोटीन्स को साइनोफाइशियन ग्रैन्यूल्स की फॉर्म में भी स्टोर करता है। तो ये हो गया आज का वीडियो लेक्चर। आज के वीडियो लेक्चर में हमने कई चीज़ें पढ़ी, जैसे कि आज के वीडियो लेक्चर में हमने सबसे पहले पढ़ा प्लाज्मिड के बारे में और फिर हमने उसके बाद में पढ़ा इंक्लूजन बॉडीज के बारे में। तो चलिए अब आज के वीडियो लेक्चर को हम एक बार समअप करते हैं, चीज़ों को समराइज करते हैं। सबसे पहले हमने पढ़ा प्लाज्मिड एक ऐसा डीएनए का एडिशनल सर्कुलर मोलिक्यूल होता है जो क्रोमोजोम से इंडिपेंडेंट होता है और बैक्टीरिया के अंदर ये प्रेजेंट होता है। अब प्लाज्मिड जो होता है वो तीन टाइप का होता है। सबसे पहला जो टाइप का प्लाज्मिड होता है उसको हम कहते हैं एफ प्लाज्मिड। ये फर्टिलिटी को कंट्रोल करता है, कंजुगेशन में हेल्प करता है और उसके पास एफ पाइलस या फर्टिलिटी सेक्स पाइलस प्रोड्यूस करने वाले जीन्स होते हैं। इसके बाद हमने पढ़ा आर प्लाज्मिड, ये रेसिस्टेंस क्रिएट करता है। उसके पास कुछ जीन्स ऐसे होते हैं जो एंटीबायोटिक्स अगेंस्ट बैक्टीरिया को रेसिस्टेंस प्रोवाइड कराते हैं। तीसरे टाइप का जो प्लाज्मिड हमने पढ़ा वो पढ़ा हमने कोल प्लाज्मिड। कोल प्लाज्मिड के अंदर कोलिसिन्स होते हैं जो कि पॉइजनस सब्सटेंसेस होते हैं और दूसरे बैक्टीरिया को ये किल कर देते हैं और अपने पार्टिकुलर एनवायरनमेंट में ये बहुत ही सक्सेसफुली रह पाते हैं। प्लाज्मिड के यूटिलिटी के बारे में हमने पढ़ा कि ये बहुत इंपॉर्टेंट टूल है, जेनेटिक इंजीनियरिंग में हम इसका इस्तेमाल करते हैं। रिक्वायर्ड जीन्स को हम बैक्टीरिया के प्लाज्मिड के अंदर ट्रांसफर करते हैं, उनका हम यूटिलाइजेशन कर लेते हैं। इसके अलावा हमने इंक्लूजन बॉडीज के बारे में पढ़ा कि जो बैक्टीरिया की सेल होती है उसके अंदर कुछ नॉन लिविंग स्ट्रक्चर्स होती है जिनको हम इंक्लूजन बॉडीज कहते हैं, क्योंकि ये बैक्टीरिया के साइटोप्लाज्म के अंदर एडिशनली इंक्लूडेड होती है। इनको हमने तीन टाइप में स्टडी किया। सबसे पहले हमने पढ़ा गैस वैक्यूल्स को, इनऑर्गेनिक इंक्लूजन को और फिर हमने पढ़ा फूड रिजर्व्स को। गैस वैक्यूल्स में हमने पढ़ा कि छोटी छोटी गैस स्टोरिंग वैक्यूल्स होती हैं, इनके पास कोई कवरिंग नहीं होती है। इनऑर्गेनिक इंक्लूजन में हमने पढ़ा कि छोटी छोटी इनऑर्गेनिक ग्रैन्यूल्स होती हैं जो मेटाक्रोमेटिक इफेक्ट क्रिएट करते हैं। इनमें हमने पढ़ा वोलेटिन ग्रैन्यूल्स को जो फॉस्फेट को स्टोर करती हैं, सल्फर ग्रैन्यूल्स को जो सल्फर को स्टोर करती हैं, आयरन ग्रैन्यूल्स फॉर आयरन एंड मैग्नेटाइट ग्रैन्यूल्स को भी हमने पढ़ा जिनके अंदर मैग्नेटाइट सब्सटेंस होते हैं। उसके बाद हमने पढ़ा फूड रिजर्व्स के बारे में। बैक्टीरिया जो होता है वो मोस्टली ग्लाइकोजन की फॉर्म में अपना फूड रिजर्व करता है, लेकिन साइनोबैक्टीरिया के अंदर साइनोफाइशियन स्टार्च और मिक्सोफाइशियन स्टार्च भी कार्बोहाइड्रेट को स्टोर करने के लिए रहता है। तो ये हो गया आज का वीडियो लेक्चर। इसी के साथ मैं आज का वीडियो लेक्चर कंक्लूड करता हूँ। मैं उम्मीद करता हूँ कि आज के वीडियो लेक्चर में जो जो चीज़ें आपने पढ़ी आपको अच्छे से समझ में आ गई होंगी। अगर कोई चीज़ आपको समझ में नहीं आ रही है, कोई आपको डाउट है, आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं आपके डाउट्स का रिप्लाई जरूर दूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।